और ये राम जी, और ये लक्ष्मण। आपको पता है जब राम सीता और लक्ष्मण एक कुटिया में रह रहे होते हैं ना, और राम और जब लक्ष्मण दोनों कहीं गए होते हैं, तो सीता माता के पास रावण आता है साधु बनके। क्या बनके? साधु बनके। साधु बनके आता है क्योंकि ये इसके मन में क्या होता है, चोर होता है ना, क्योंकि इसने सीता माता को उठाकर लेके जाना है। और सीता माता को आके बोलता है भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सीता माता कहती है हे साधु जी ये लो भिक्षा। वो कह रहा है नहीं, तुम मेरे पास आके मुझे भिक्षा दो, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। और सीता माता उनको जैसे ही भिक्षा देने जाती है, और रावण सीता माता को उठा के अपने घर ले जाता है। और सीता माता कहती है बचाओ 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 स्वामी मुझे बचाओ। लेकिन राम और लक्ष्मण तो वहां पर नहीं होते ना, राम और लक्ष्मण तो वहां पर होते ही नहीं है। तो सीता माता को जैसे ही कोई आवाज उनकी सुनता नहीं है, तो सीता माता को उठाकर रावण अपने घर ले जाता है और उसको एक पेड़ के नीचे बिठा देता है। ठीक है, अब रावण है वो क्या है, सीता माता के पास जाके बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगी। सीता माता कहती नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मेरे भगवान जी मुझे लेने आएंगे, मेरे भगवान जी मुझे लेने आएंगे। वो कह रहे यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत दूर लेके आ गया हूँ, यहाँ पर इतनी दूर है किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जैसे ही राम और लक्ष्मण जी आते हैं अपने घर पे, सब आके बोलते हैं सीते 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 तुम कहाँ हो, देखो मैं आ गया। और सीता माता तो होती ही नहीं है, सीता माता को तो कौन ले गया, रावण ले गया। अब सीता माता को राम जी ढूंढ रहे हैं सीते सीते, वो सीता माता वहां पे होती ही नहीं है। तो राम जी नाराज हो जाते हैं, वो लक्ष्मण से पूछते हैं आपने सीता को कहीं देखा है, तो कह रहा नहीं भैया मैं तो आपके साथ ही था, मुझे नहीं पता माता कहाँ है। अब वो ढूंढ रहे होते हैं बहुत बहुत दूर दूर तक, घूमते होते हैं घूमते रहते हैं तो उनको सीता माता कहीं भी मिलती नहीं है। तो फिर उनको एक जगह पे हनुमान जी मिलते हैं, कौन मिलते हैं, हनुमान जी मिलते हैं। तो हनुमान जी राम जी के पास आके बोलते हैं कि मैं तो आपका भक्त हूँ, आप बताओ आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो। राम जी बोलते हैं कि ना मेरी सीता को किसी ने कोई लेके चला गया, मुझे सीता माता नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो हनुमान जी कहते हैं राम जी मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपकी मदद हमेशा ही कर सकता हूँ, आप मुझे एक आज्ञा तो दीजिए, सीता माता को जहाँ भी होगी मैं उसको ढूंढ के लेके आऊंगा और आपके पास लाकर यहाँ पर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और जैसे ही रावण फिर जो हनुमान जी है वो उड़ के जाते हैं, उड़ते उड़ते जाते हैं, वो लंका पहुंच जाते हैं जहाँ पे रावण रह रहा होता है। वो देखता है कि रावण, ये रावण है, ये तो रावण सो रहा है। वो ढूंढते 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 रावण जी के कहाँ चले जाते हैं, बगीचे में चले जाते हैं जहाँ पे सीता माता बैठी होती है। और सीता माता रो रही होती है हे भगवान मेरे मेरे आर्य कब आएंगे, मेरे भगवान जी कब आएंगे मुझे लेने के लिए। तो हनुमान जी जैसे सीता माता के पास आते हैं तो सीता माता को बोलते हैं हे माता आप रोइए मत, अब राम जी जल्दी आएंगे, आप मेरे साथ चलो। सीता माता कहती नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे भगवान जी लेने आएंगे तो ही मैं जाऊंगी। तो वो कहते कोई बात नहीं, ठीक है अब मैं जाके राम जी को आपके बारे में बताऊंगा कि आप कहाँ पर हो, अब राम जी जल्दी जल्दी आपको लेने आ जाएंगे। तो हनुमान जी जब वहां से जाते हैं ना, पूरी लंका में आग लगा देते हैं, ठीक है, ताकि रावण को पता चल जाए कि अब राम जी आने वाले हैं। राम जी के भक्त में इतनी ताकत है तो राम जी में कितनी ताकत होगी ना, होगी ना, हनुमान जी राम जी के भक्त है ना, अगर अगर हनुमान जी में इतनी ताकत होती है तो राम जी में कितनी सारी ताकत होगी, बहुत सारी होगी ना। तो अब वो हनुमान जी किसके पास पहुंच जाते हैं, राम जी के पास। राम जी को जाके बोलते हैं कि मुझे सीता माता का पता लग गया, लेकिन ना सीता माता बहुत दूर है, वो ना उसको रावण उठा के ले गया। तो राम जी कहते कोई बात नहीं हम मिलकर सीता माता को लेकर आएंगे सारे मिलकर। तो वो सारे जाते हैं और राम जी की रावण से क्या होती है,
लड़ाई होती है, युद्ध होता है, फाइटिंग होती है ना, तो राम रावण की लड़ाई होती है जिसमें रावण क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, वो सीता माता को अपने पास वापिस ले आते हैं, तो सीता माता राम जी के पास वापिस आ जाती है, ठीक है। अब देखो उस दिन से हम क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, क्योंकि रावण को हम क्यों जलाते हैं, क्योंकि राम जी ने सीता माता को रावण से छुड़ाया था और रावण को मार गिराया था, इसलिए हर साल हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। रावण को जलाते हैं ना हर साल, इसलिए जलाते हैं क्योंकि राम जी सीता माता को रावण से छुड़ा कर लेके आए थे, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।